और इसको खेल मिल ही गया, देखो ये एक्सप्लोर करेंगे चितकुल को, क्योंकि आज धूप निकल गई अच्छी खासी। कल शाम तक तो बारिश ही बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा थी। निकला था रात को 11:30-12 बजे के लिए वॉक पे, जब बारिश रुकी थी थोड़ी बहुत। और क्या तारे दिख रहे थे यार, आप पता नहीं कितने सालों बाद ऐसे दिखे, और पता नहीं अब आगे कब देख पाएंगे ऐसे, बड़ी अच्छा व्यू था। बाकी अभी आए थे यहाँ पे देखने के लिए कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि फार्मिंग हो रही है चितकुल में, और स्नो रात भर में पूरा वाइट नीचे तक आ चुका है। पहले ये जो मैं कल दिखाया था ये शायद ऊपर तक था, ऊपर लेकिन मैं नीचे तक आ चुकी है बर्फ। बाकी आज जाते हैं रिवर साइड और बॉर्डर पे। ये हमारा आदि से हादी, हाय से हाय, हाय। ये भी एंजॉय कर रहा है रात को। हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, करवटे ले रहे थे तो होता है कि सांस में दिक्कत हो। बच्चे को भी हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ बच्चा अगर आए तो उसको ज़्यादा भागने वगैरह मत देना, क्योंकि पल्स रेट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, तो अगर वो कुछ खाएगा भी तो वो निकाल देगा। तो कोशिश करो कि बच्चों की मूवमेंट्स मॉडरेट रखें, ज़्यादा नहीं और ना ही ज़्यादा कम। बच्चे की मूवमेंट बहुत कम से कम होनी चाहिए, बच्चे की मूवमेंट बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत कम होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा एक्लिमेटाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चे को नोज़िया, वॉमिटिंग और इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैरी सर्टेन मेडिसिंस बिफोर कमिंग टू सच ट्रिप्स विद किड्स। तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, सो डॉक्टर विल टेल यू सर्टेन मेडिकेशंस फॉर नोज़िया, वॉमिटिंग और एनी अदर थिंग्स, एंड नोटिस सर्टेन साइंस। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा वो मीन्स परेशानी हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बार बार वो खांस रहा है, कल रात को इवन आदि ने भी थोड़ा सा खांसा और तो हमें लगा कि ऐसे उसको थोड़ा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, तो अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दें तो डोंट इग्नोर देम, एंड अगर आप मेडिसिन साथ में लाए हो डॉक्टर से कंसल्ट करके तो गिव देम इमीडिएटली, और अगर नहीं लाए हो तो कंसल्ट सम लोकल डॉक्टर। वैसे जहाँ तक मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स या कोई कंसल्टेंट की जो क्लिनिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। तो इट्स बेटर कि बिफोर कमिंग टू सच ट्रिप्स यू कैरी मेडिसिंस विद यू ओनली, एंड सो एंजॉय गाइस, एंड वी विल अपडेट यू फर्दर। जा रहे हैं इंडो चाइनीज बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पे कुछ लोग पैदल भी आते हैं। ये चितकुल से आपका 3 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट पड़ता है। यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुकना पड़ेगा, उससे आगे आपकी जो गाड़ी है वो अलाउड नहीं है, तो देखते हैं। डॉक्टर ने गए हैं, आप देख सकते हो, पता करने के लिए कि कैसे किस तरीके से आगे जा सकते हैं। सो ये सारा आपका लास्ट पॉइंट है, ये
चेक पोस्ट है, यहाँ से हम आगे जा नहीं सकते। ये सारा लास्ट व्यू है हमारा। डोंट वरी, यू आर इन अ सेफ हैंड्स, ITBP। सो बॉर्डर जो है वो यहाँ से अभी भी 80 किलोमीटर्स है, बट क्योंकि ग्लेशियर्स हैं सारे, तो फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए इसलिए आगे नहीं जाने देते। ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है पूरी, देखिए आप, बहुत क्या बोलें यार, मोह लेने वाला एक नज़ारा है यहाँ पे। बॉर्डर के बाद अब आए हैं हम यहाँ, रिवर, ये नदी बह रही है। आइए डॉक्टर जी, अपने थोड़े व्यूज रखिए। पानी बहुत क्लियर है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी है, और इसको खेल मिल ही गया, देखो ये। जब तक इसको पत्थर ना दो ये फोटो नहीं खिंचवाता। लालच दे देंगे, अभी तो चश्मा फेंक दिया था रिवर में, तो शुक्र है आगे बैठा था पकड़ा गया, अदरवाइज तो स्वाहा। आप पहले यहाँ का नज़ारा लीजिए, बहुत ही साफ है और इवन मैं कहूँ तो पीने में भी बहुत अच्छा है। वो देखिए, वो देखिए, अब आर डे फोर्थ है, आज हमारा प्लान है कि हम कल्पा निकल जाएं, पहुंच जाएं। नहीं है, बहुत ही सुंदर विलेज है चितकुल विलेज, बट देखते हैं पड़ेगा। नहीं है तो आज चितकुल, अगर हम कल्पा नहीं पहुंच पाए तो सोच कोशिश करेंगे रिकोंग पियो हम रुक जाएं, और कल कल्पा होके, अगर कल्पा अगर आज पहुंच जाओ तो ठीक है, थोड़ा बहुत घूम फिर के फिर काजा निकलेंगे कल को, ठीक है। दिखाते हैं अभी यहाँ से कल्पा तक की जर्नी, स्टे ट्यून्ड। अभी हम ऑन द वे हैं, चितकुल से निकल चुके थे, सांगला क्रॉस किया है और अभी हम जाएंगे करचम। जो गूगल आंटी बोल रही है वो दिखा रही है यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट और 33 किलोमीटर अभी बचा है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ही है, तो लेकिन बस ये है कि हाँ यहाँ के नज़ारे ऐसे इतने औसम है कि आप उसको देखते हुए ये रास्ते भूल जाते हैं कि कितने भी ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि आप बार बार रुकोगे बीच में फोटोग्राफ्स के लिए, कभी नज़ारों को देखने के लिए। इस चंक में कोई भी खाने पीने का कोई भी आउटलेट नहीं है, ये आपका 10 से 15 किलोमीटर का है, टोटल 23 किलोमीटर का, और 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। बाकी बाहर के नज़ारे देखिए। करचम आ चुके हैं और करचम से अभी हमने ये राइट ले लिया है कल्पा की तरफ, और ये पावर स्टेशन है यहाँ पे जो पूरे हिमाचल और आसपास के एरियों को बिजली सप्लाई होती है यहाँ से, और सीनिक ब्यूटी तो बहुत अच्छी है एज यूजुअल यहाँ हिमाचल की देवभूमि हिमाचल प्रदेश।
वाले रोड तो बड़े ख़राब था आपका, करछम से लेकर सांगला तक। अभी ये वाला रोड करछम से कल्पा तक, ये अभी हम देखेंगे, फिलहाल तो ठीक है। ये शायद यहाँ पे रोड बनाया जा रहा है, ये देखिए। ओह शिट, इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे बनाना, और जो वर्कर वहाँ काम कर रहा है उसको ऐसे लग रहा है एज पे ही बैठा हुआ है। बहुत ही रिस्की जॉब है, बहुत रिस्की, क्योंकि ऊपर का पहाड़ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ से भी कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। ये पूरा पहाड़ आप देखिए, पूरा पहाड़ आप देखिए किस तरीके का है, और ये शायद ही सारा ही तोड़ तेड़ के बनाया जा रहा है सारा। तो फाइनली वी मेड इट टू कल्पा। अभी 6:30 हो चुके हैं, लेकिन धूप कल्पा में अभी भी है। आप देखोगे ऊपर जितने भी पहाड़ी एरिया हैं सारे के अभी अभी ताज़ा बर्फ गिरी, क्योंकि ऑन द वे हर जगह बारिश थी। और अगर पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लटाई चेंज, ये ऊपर किन्नर कैलाश जो है बेसिकली किन्नर कैलाश, अक्षरधाम, केदारनाथ, जो ये यात्रा होती है उनमें से एक किन्नर कैलाश है जहाँ पे ट्रैक कर किया जाता है। तो काफ़ी लंबी ट्रैक है ये, कहते हैं अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। लेकिन व्यू देखो यहाँ का यार, ये जो होटल में रुका हूँ स्नो व्यू, और सच्ची में स्नो व्यू है ये, देखो ये देखो व्यू देखो, इट्स ऑसम सच्ची में ऑसम व्यू है। ये बादल देखो बिल्कुल मेरे पीछे उठ रहे हैं बादल, ये देखिए बादल, ये देखिए बादल, सारे बादल, ऑसम ऑसम। सो आज का दिन क्या कहूँ कि बारिश एक्चुअली कल्पा में आ गए थे, और जिस तरीके से मैंने बताया था कि हम शाम को मार्केट वगैरह जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जब सिंह आए हैं अराउंड 6:30 पहुँचे थे, आधा पौना घंटा हमने चाय वगैरह पी, स्नैक्स वगैरह लिए, तब तक तो ठीक था, और उसके बाद से ही फिर दोबारा बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो कहीं नहीं जा पाए, यहीं होटल के रूम में ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और क्या करें। कल का प्रोग्राम ये है कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे, कोशिश करेंगे 7-7:30 बजे तक निकल लें, और यहाँ से काजा 200 किलोमीटर है, और नाको राउंड अबाउट 100 किलोमीटर, और ताबो 149.5 किलोमीटर। तो 8 घंटे की जर्नी दिखा रहा है ये ताबो की। तो ये रहेगा कि हम नाको तक जाएंगे पहले, देखेंगे, क्योंकि पापा में साथ में हैं, बेटा साथ में है, इफ़ दे एक्लिमेटाइज तो हम ताबो जा सकते हैं, अदरवाइज़ कल हम नाको स्टे करेंगे, और परसों जो है फिर हम काजा के लिए निकलेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय,
दिस इज डॉक्टर विनय फ्रॉम द डॉक्टर्स ऑन व्हील्स. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. ये चैनल ना सिर्फ एक जर्नी के लिए है बल्कि इसके साथ साथ हम जैसे जैसे हम हमारी वीडियोस आते रहेंगे हम कोई ना कोई हेल्थ टिप्स वगैरह भी आपको देते रहेंगे जो इफ़ अगर आप डेली रूटीन में उसको अपनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें हैं जो आप नेचुरली वे में उसको यूज़ करके उसके हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए अपने परिवार के लिए. बाय.